नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। बोलिए। जैसा कि आपको मालूम है, चासनाला के मजदूरों का हाजिरी नहीं बन रहा है जब से लॉकडाउन हुई है, तब से लेकर के अब तक। ठीक है, तो इस विषय में आप अपने पार्टी से क्या सहयोग चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, हमारा माननीय विधायक कुलदीप गुर्जर चौधरी के नेतृत्व में उनके आदेश अनुसार और यहाँ के जो लोकल नेता है अरमान खान, उनके पास जितने भी रामनगर सेल के वर्कर हैं, 50 वर्कर, उनके पास जाकर अपना वक्तव्य को रखा है। रखने के बाद आज इसके पहले कई दिन रामनगर प्रबंधन, ये लोग चासनाला कॉलोनी में इनका हाजिरी जाता था, वहीं काम करते थे लोग, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण इन लोगों का हाजिरी बीच में उज्जवल चौधरी जी के प्रयास से, अरमान के कोशिश के बाद हाजिरी बनाना शुरू किया गया। इसके बाद हठात कल या परसों से इन लोग का हाजिरी यहाँ बंद कर दिया गया। बंद करने का वजह क्या है? एक सिस्टम होता है सरकारी संस्था में, एक नियम होता है कि कोई भी वर्कर को अगर यहाँ हाजिरी ना हो या हो तो उसको एक नोटिस दिया जाता है, लेकिन किसी प्रकार के सरकारी संस्था के अनुसार कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही कोई सो कुछ किया गया, हटा तीन लोग का हाजिरी बंद कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि एक तरफ कोरोना का महामारी है, पश्चिम बंगाल सरकार अभी 30 तारीख तक लॉकडाउन, झारखंड सरकार 30 तारीख तक लॉकडाउन। अब सवाल उठता है कि यहाँ का जो वर्कर है, ये लोग जो सामने में पश्चिम बंगाल और झारखंड का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को ये लोग कैसे पास करें? सवाल एक, कुछ वर्कर को पेमेंट दिया गया है, कुछ वर्कर को पेमेंट नहीं दिया गया है। ये लॉकडाउन महामारी में ऐसा नौबत आ गया है कि कुछ लोगों को घर में बाल बच्चा का खाना पीना, परिवार के साथ रहना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के घर में आज राशन पानी का व्यवस्था नहीं है और सरकार, यहाँ का GM अपना मनमानी रवैया अपनाए हुआ है। इसको मनमानी नहीं बोला जाएगा, इसको एक तरह से समझिए कि अपना हुकूमत बोला जाएगा। इस हुकूमत के खिलाफ अगर जरूरत पड़ने पर, अगर आज इस जगह पर कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं लगाया गया, तो जितने भी मजदूरों के साथ में हम लोग कल अरमान के नेतृत्व में उस जगह पर हम लोग टेंट गाड़ के हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे। और आंदोलन का इसका जो, यह जो आंदोलन होगा, इसमें इसका सबसे बड़ा जवाबदेही खुद GM होगा, क्योंकि इसका अभी तक ले सुबह से जो वर्कर है आंदोलन कर रहा है, चिल्ला रहा है, अपना मांग मार रहा है, लेकिन अभी तक अपना कोई भी ऑफिसर या स्टाफ को यहाँ पर नहीं भेजा गया कि इसका कोई व्यवस्था लगाया जाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बुढ़ा खान, देंदुआ आंचलिक कमेटी के सभापति और आसनसोल जिला के माइनॉरिटी सेल के ऑब्जर्वर। रामनगर कोलेरी में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन क्यों किया है? हम लोग 14 तारीख को धरना प्रदर्शन किए थे, उसी में यहाँ पर आपका जो पर्सनल है अनिल कुमार साहब, उन्होंने बोले थे कि 2 तारीख को आपका लॉकडाउन का पीरियड का पेमेंट मिल जाएगा और 15 तारीख से आप लोग का अटेंडेंस हो जाएगा, लेकिन 4-5 दिन आपको अटेंडेंस यहाँ पर करने दिया, उसका बाद बोला हम लोग नहीं जानता है, आप लोग को जो करना है कीजिए, पेमेंट भी हम लोग का नहीं घुसा है और हम लोग का हाजिरी भी बंद हो गया है। तब हम लोग दादा के पास गए, दादा को बोले, दादा चार किनके पास, किनके पास? कुलटी विधायक हम लोग का उज्जवल चौधरी जी के पास दादा को गए, जाके बोले, वो जो सब कुछ किया कार्यक्रम, उसका बाद आज हम लोग को फिर धरना प्रदर्शन में बैठने बोला है। अच्छा, इससे पहले जो आप लोगों ने मास पिटीशन वगैरह किया था DM के पास में, कुलटी PS के पास में, तो उसके बाद तो आप लोगों का यहाँ पे बात को सुन लिया गया था, लेकिन अचानक से फिर आज क्या हुआ जो आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा? हम लोग का ना तो लॉकडाउन पीरियड का अटेंडेंस मिल रहा है और ना तो कोई सेल प्रबंधक, यहाँ का आदमी का अटेंडेंस फुल दे दिया, हम लोग का भी 5-6 आदमी को दे दिया, लेकिन गांव का हम लोग का जो आदमी है वो लोग का अटेंडेंस कुछ नहीं दिया है। हम लोग का चासनाला कोलियारी में जो हम लोग रहते हैं वहीं पर 5-6 आदमी को मिल गया, लेकिन बाकी हम लोग का गाँव का आदमी को नहीं मिल रहा है जो चासनाला में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, तो GM का जो रवैया है, अटेंडेंस भी बंद कर दिया। GM का जो ये रवैया है सिर्फ आप लोगों के साथ है या फिर जितने भी यहाँ पे और भी एम्प्लॉय हैं उनके साथ में? खाली हम ही लोग का साथ है, चासनाला में हम लोग ड्यूटी करते हैं, खाली हम ही लोग का साथ GM का ही रवैया चल रहा है।
आपका नाम क्या हुआ? भास्कर मंडल। आप यहाँ किस पद में? हम यहाँ वर्कर है। আমরা এখানে সেল গেটের কাছে প্রদর্শন করছি, ওই জন্য আমাদের লকডাউনের চলতে আমরা কলিয়ারি যেতে পারিনি। তার জন্য আমরা আগেবারে প্রদর্শন করেছিলাম। প্রদর্শন করার পর আমাদের এখান থেকে কলিয়ারি থেকে অর্ডার এলো যে এখানে আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স হবে, তার সাথে সেই অনুপাতে অ্যাটেন্ডেন্সও হচ্ছিল। আচানক আজ চার দিন আগে অ্যাটেন্ডেন্স বন্ধ করে দিল। ম্যানেজমেন্ট বলছে আমরা অ্যাটেন্ডেন্স আর করতে পারবো না, আপনারা যা করার করলেন। তখন আমরা এখানে আমাদের যে ইউনিয়ন আছে উজ্জ্বল চ্যাটার্জি মহাশয়, টিএমসি বিধায়ক, ওর কাছে গেলাম যে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স হঠাৎ এখানে বন্ধ করে দিল, আমরা এখন লকডাউন খুলে নেই, আমরা কীভাবে যাবো ওইখানে কলিয়ারিতে? তো যাওয়ার তো কোনো পথ নেই, সেই কারণে আমরা বললাম যে আমাদের যাওয়ার পথ কিছু নাই, তখন আমরা এখানেই আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স হোক। তো সেল বন্ধন সেটা চাইছে না, আমাদের বলছে তোমরা যা করো তোমরা করে নাও। তো আমরা এখন যা পারো করার মানে আমরা এখন প্রদর্শন করব। আমরা যদি নেক্সট যদি আরও আমাদের কোনো বড় আন্দোলন করতে হয়, আমাদের মেয়ে ছেলেকে নিয়ে এসে আমরা অনশন ধর্মঘট করতে হয়, সেটাও করব। কারণ সবারই পরিবার এখন রুগ্ন হয়ে আছে, কারো পেটে ভাত নাই, আর দু মাস তিন মাস ধরে পেমেন্ট পায় নাই, তার দায়িত্ব কে নেবে? জিএন পবন দাস নেবে? সেল পবন দাস চুতিয়াগিরি করতে হয় সবকে, পেট মার লাত মার কে আপনার নৌকরি বাঁচাতে হয় সবকে, লোহারি কে নৌকরি পেমেন্ট সবকে হাজির বন রা, ইহা হম লোক কো খালি হাজির বনানা বন্ধ করেগা। চলো ই বাপ কা চলো ইউপি বিহার বনারস গুজরাট সাকে ইহা ট্রেনস বলাগা, হম লোক চলা রামনগর গাঁ কো হে, হম লোক কো কোই ভ্যালু নেই হ্যায়। में फिर से धरना प्रदर्शन करने का क्या कारण है? जी आज रामनगर कोलियरी में हम लोग धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण है कि यहाँ के प्रबंधक जितने भी वर्कर हैं सबका फिर से हाजिरी स्टॉप कर दिया गया है, और कहा है कि 8 तारीख के बाद से स्टॉप किया, और कहा है कि जाने के लिए शासनाल अटेंडेंस करने के लिए। लेकिन ये तो आप जान रहे कि सीमावर्ती इलाका हम लोग का और बॉर्डर में बहुत सारी परेशानी है। झारखंड सरकार पूरा 30 तारीख तक लॉकडाउन अभी करके रखा है, इसके कारण से मजदूर जा नहीं पा रहे हैं। तो अटेंडेंस ना यहाँ पे बंद कर दिया गया ना वहाँ जा रहा, तो हम लोग का यही कहना है कि जब अटेंडेंस यहाँ पे नहीं किया जा रहा है तो प्रबंधक यहाँ के इंतज़ाम करे यहाँ का सारे वर्कर का कि वहाँ पे जाके अटेंडेंस कर पाए, और नहीं तो यहाँ पे जिस तरह से बीसीसीएल का भी हाजिरी दामागुड़िया में हो रहा है, उस तरह से हम लोग का सेल का भी हाजिरी, जब तक लॉकडाउन का परिस्थिति खराब चल रहा है कि बॉर्डर पर जितना परेशानी हो रहा है लोगों का, यहाँ पर अटेंडेंस किया जाए, हम लोग का यही कहना है। और बाकी जो 60 मजदूर में से कुछ को 5 से 6 लोगों को पेमेंट दिया गया है, लेकिन बाकी का जो रोक दिया गया है, तो मेरा उनसे भी कहना है कि टोटल पेमेंट इस बार कराया जाए। अच्छा, यहाँ कुलटी विधायक के बारे में इसकी सूचना गई थी, तो कुलटी विधायक ने उज्जवल चटर्जी जो हैं वो क्या कहा? ये माननीय उज्जवल चटर्जी ने हम लोग को आश्वासन दिया, और उनके ही निर्देश अनुसार हम लोग ये धरना प्रदर्शन किए हैं, और धरना को और मजबूत करने के लिए हम लोग का साथ में हमारे पास के तृणमूल के नेता बूढ़ा खान भी आए हुए हैं कि हम लोग धरना को और मजबूत कर पाए, और अगर हम लोगों का बात नहीं माना जाएगा तो हम लोग कल से यहाँ पे तिरपाल देके और आंदोलन को तेज करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम अरमान खान हुआ, और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कुलटी के ब्लॉक प्रेसिडेंट महेश्वर मुखर्जी का और माननीय उज्जवल चटर्जी का, जो आज भी मजदूरों के लिए खड़ा है। जितने बार हम लोग जा रहे हैं हम लोग को अच्छा से आश्वासन दिया जा रहा है, और हम लोग को बहुत सपोर्ट मिल रहा है उन लोगों से।